एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होटल रेस्टोरेंट का समय रात 11 बजे तक बढ़ाए, ड्रैगन पैलेस में धम्म चक्र महोत्सव मनाया गया। नवरात्रि में रोकड़े ज्वेलर्स को ग्राहकों का बेहतरीन प्रतिसाद। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी विमला आर को होटल व रेस्टोरेंट का समय रात 11 बजे तक बढ़ाने की अनुमति देते हुए ज्ञापन सौंपा है। मेहाडिया ने कहा कि राज्य सरकार ने अनलॉक में सभी व्यवसायों को शुरू रखने के समय में शिथिलता प्रदान की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने होटल व रेस्टोरेंट शुरू रखने का समय रात 10 बजे तक ही तय किया गया है। पुणे महानगर पालिका ने 11 अक्टूबर से होटल व रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है, जबकि पुणे जिले में कोविड संक्रमण दर नागपुर जिले से अधिक है। अगस्त से नागपुर में संक्रमण की दर 0.5 से है। चेंबर के सहसचिव स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि गत वर्ष भी होटल इंडस्ट्री को नवंबर 2020 से अनलॉक किया गया था। वह मार्च से जुलाई 2021 तक लॉकडाउन के साए में रहा, जिससे सर्वाधिक नुकसान इसी व्यवसाय को हुआ है। अंत स्थानीय प्रशासन आर्थिक दिक्कतों का संज्ञान लेकर पुणे महानगर पालिका की तर्ज पर होटल व रेस्टोरेंट को रोजाना रात 11 बजे तक शुरू रखने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरी खबर, 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर ड्रैगन पैलेस मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय धम्म चक्र महोत्सव की शुरुआत गुरुवार से हो गई थी। सरकार के कोविड संबंधी नियमों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी ड्रैगन पैलेस पहुंचे थे। महोत्सव का शुभारंभ भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरू के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुलेखा कुंभारे मौजूद रहे। विशु संघ की उपस्थिति में एक विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद भक्तों को धम्म देशना भी दी गई। तीसरी खबर, नवरात्रि आदि शक्ति पूजा और नव निर्माण का उत्सव है। नागपुर में प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर की ओर से भी हर साल बड़ी भक्ति के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर शोरूम में एक खास रौनक देखने को मिली। इस दौरान ग्राहकों ने भी हमेशा की तरह गहनों की खरीदारी पर बेहतरीन प्रतिसाद दिया है। 3 पीढ़ियों से आभूषण बनाने की गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने वाले रोकड़े ज्वेलर्स ने अपने गहनों की विविधता, अगूटी कलाकृति और अतुलनीय शुद्धता के कारण नागपुर के लोगों के मन में एक विशेष स्थान बनाया है और यह स्थिति 3 पीढ़ियों से जस की तस बनी हुई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।